आप देख रहे हैं योगी बाबा उत्तर प्रदेश के मुखिया, सनातन के पैगंबर का वह सुशासन जिनका डंका तो पूरे देश में बजता है सुशासन का, लेकिन 74 दिनों से एक भारतीय जनता पार्टी का ही सिपाही नरेश पाल गुप्ता लगातार 70 वर्षीय बुजुर्ग कर रहा है अनशन। अभी तक नहीं हो पाई कोई सुनवाई, उनकी लगभग 10 बीघा जमीन हड़प ली गई है। लेकिन देखियो क्या कुछ कहते हैं नरेश पाल गुप्ता, ये हम सुनाते हैं खुद जुबानी। नरेश पाल गुप्ता भाजपा सदस्य एवं 70 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक। किस कारण से आप यहाँ बैठे हुए हैं? हमारे लड़कों के नाम से तहसील फरीदपुर जनपद बरेली उत्तर प्रदेश में खसरा नंबर 541 मिलजुबला 544 माँ 559 560 आदि नंबरों से संक्रमणीय जमीन है। खसरा नंबर 500 मिलजुबला पर हमारे लड़के सतीश चंद्र द्वारा न्यायालय का हिस्से है एवं खसरा नंबर 541 में राजस्व विभाग द्वारा सरकारी खर्चा जमा कराकर कच्ची तूलबाबंदी दिनांक 9/4/15 एवं दिनांक 14/4/2015 एवं पक्की तूलबाबंदी 11/9/2015 को कराई गई। न्यायालय का पक्का इससे एवं राजस्व विभाग की पक्की तूलाबंदी होने के बावजूद भी वहां का एक भूमाफिया अनिल प्रताप सिंह राणा तहसील फरीदपुर के पुलिस प्रशासन की साठगांठ एवं मिली भगत से हमारे लड़कों की जमीन पर अवैध कब्जा, अवैध बिक्री, अवैध निर्माण लगातार करा रहा है। और इसमें अवैध कब्जा करने के उद्देश्य से इसने कई बार हम पर जानलेवा हमला भी किए। इस कारण से हमें अपना फरीदपुर का निजी मकान छोड़कर बरेली के किराए के मकान में रहना पड़ा। हमारी जमीन के बारे में तहसील फरीदपुर का पुलिस प्रशासन एवं यहाँ बरेली का प्रशासन भी हमारी जमीन पर ये मार रहा है कि जमीन हमारे व हमारे लड़कों के नाम से है। इस पर भूमाफिया अनिल प्रताप सिंह राणा का संगठित गिरोह अवैध कब्जा, अवैध बिक्री, अवैध निर्माण करा रहा है। इस संबंध में हमने तहसील स्तर से जिला स्तर, मंडल स्तर एवं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय राजस्व परिषद अध्यक्ष एवं महामहिम गवर्नर साहब एवं माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं माननीय गृह मंत्री भारत सरकार को शिकायती प्रार्थना पत्र दे। तो हम दिनांक 22 सितंबर से आज हमें 74 दिन 2 महीने 14 दिन मैं परिवार के अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमें कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है। और इसी हमारी फर्जी मतलब तरीके से जमीन पर अवैध कब्जा और अवैध बिक्री, अवैध निर्माण के ये संगठित गिरोह द्वारा हम पर व हमारे लड़कों पर फर्जी मुकदमे, झूठे मुकदमे लिखाकर यहाँ तक कि हम पर गैंगस्टर तक लगा दी गई है। जबकि हमारी कभी से किसी गाली गलौज या कहीं किस प्रकार की ऐसी बात नहीं हुई और हमारा बंदूक का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया। इस तरह से तहसील फरीदपुर से लेकर और इसमें जो सम्मिलित हैं बरेली के भी और लखनऊ से भी सम्मिलित हैं उस गिरोह के जो भूमाफिया प्रताप सिंह राणा का है उसे पूरा संरक्षण देते हैं और अवैध कब्जा करा रहे हैं। तो हम आज 74 दिन हमें आज मैं परिवार के धरना पर हो गए हैं।
हमें अभी तक न्याय नहीं मिला है और इस संबंध में धरना पर बैठे हुए हम प्रतिदिन लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल जो उनका नंबर है 0522-1076 उस पर बात होती है, वहाँ से यही बताते हैं कि आपकी कार्रवाई लंबित है। हमारा कहना होता है कार्रवाई लंबित है और वहीं का पुलिस प्रशासन अवैध कब्जा, अवैध बिक्री, अवैध निर्माण में भूमाफिया त्रास निराला को बराबर सहयोग दे रहा है, क्योंकि हमारा सबसे पहला शिकायती प्रार्थना अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को 26/12/2017 और 25/2/2018 को दिया गया। उस समय हमारी जमीन खाली थी, अब हमारी जमीन पर बराबर निर्माण कराने में ये तहसील फरीदपुर का पुलिस प्रशासन सहयोग कर रहा है। ये संबंध में हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से जो उनका मिलने का नंबर है रिसेप्शन नंबर 0522-2236-838 उस पर कल भी बात हुई, परसों ही, आज कई बार फोन लगाया नहीं उठा। कल यही बताया कि आपको 1076 में बात करें और आपको न्याय मिलेगा, बस यही बताते हैं न्याय मिलेगा। तो हमें अपने माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि न्यायप्रिय, जनप्रिय, लोकप्रिय या एवं ईमानदार छवि के, जिनकी छवि अपने यूपी में नहीं इंडिया बल्कि बाहर तक है, उनसे पूर्ण उम्मीद है। एवं हमारे आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी जो डीएम साहब मौजूदा बरेली जनपद के हैं, उनसे भी पूर्ण उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा और इसी उम्मीद से हम धरने पर बैठे हुए हैं। जब तक मुझे और मेरे परिवार को न्याय नहीं मिलता है, मेरा परिवार सहित अनशन जारी रहेगा।